कौन है? लता मंगेशकर चौक पर। भाई ये देखो भाई, बंदर को देखो, ये फूल तोड़ तोड़ के खा रहा है। भाई देखो, खाना नहीं मिल रहा होगा इसलिए फूल ही खाना स्टार्ट कर दिया इसने तो आज। कैसे आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाई मैं ऐसी जगह जाने वाला हूँ इसीलिए खास होने वाला है। भाई आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से अयोध्या, प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या। आप सभी को तो पता ही होगा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अगर आप भी प्लान बना रहे हो दिल्ली से अयोध्या जाने का, तो आज इस वीडियो को देख के भाई आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है, क्योंकि आज मैं सफ़र करने वाला हूँ दिल्ली से अयोध्या के बीच। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, और कौन सी ट्रेन से और कितना रुपया किराया और भाई कब तक पहुँचते हैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा और अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई ये देखो, ये है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो अभी चलेंगे अंदर और टिकट वगैरह लेते हैं। तो भाई दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए ऐसे तो आपको बहुत सारा ट्रेन मिल जाएगा, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ट्रेन है ना भाई, वो है अयोध्या एक्सप्रेस, जो कि ओल्ड दिल्ली से चलते हैं और अयोध्या कैंट तक ही जाते हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 14206। तो आज हम लोग उसी ट्रेन में जाने वाला है, और चलिए चलते हैं, पहले टिकट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म में एंट्री करते हैं। भाई हर बार की तरह आज भी हम जाने वाले हैं जनरल क्लास में। हम आपको दिखाएंगे कि सबसे सस्ते में आप अयोध्या कैसे पहुँच सकते हो, वो भी दिल्ली से। भाई मैं बात करता हूँ इस ट्रेन का, अयोध्या एक्सप्रेस का टिकट प्राइस के बारे में। तो भाई यहाँ का जो टिकट प्राइस है ना, यहाँ का भाई, हमने जनरल पे जा रहे हैं तो हमें जो मिला भाई 190 रुपये का टिकट, जो कि दिल्ली से लेके अयोध्या कैंट तक 190 रुपये लगा जनरल में। तो भाई फिलहाल हम तो बैठ चुके हैं भाई ट्रेन के अंदर, हमें जो है सीट भी मिल चुका है। भाई कितनी आसानी से हमें सीट मिल गया, और ट्रेन में देखो भाई बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर आप भी जा रहे हो ना तो जनरल में तो आराम से जा सकते हो, देखो बिल्कुल। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में। भाई 2 घंटा डिले ट्रेन जो है हमें यहाँ पे पहुंचाया, और अभी हम यहाँ से जाएंगे भाई, पहले तो राम मंदिर यहाँ से कैसे जाओगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 20 रुपये किराया लगता है भाई, तो 20 रुपये में आप भी जा सकते हो ऐसे ई रिक्शा में। एंट्री पर नया यहाँ पे गेट बन रहा है, क्या शानदार गेट बनेगा, जब बन जाएगा ना तब दिखेगा बढ़िया, अभी तो बन रहा है। तो चलते हैं अंदर, कितना शानदार भाई बना रहा है एंट्रेंस। भाई मैं आप लोगों को पहले बता दूं, हमारा जो जर्नी है दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली से हम अयोध्या आए 190 रुपये में, फिर वहाँ से आने के बाद भाई यहाँ तक पहुँच चुका है मेन अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर है। तो हमने अभी अंदर एंट्री कर ली, आप लोगों ने देख लिए, और आगे चलते हैं और अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराते हैं आप लोगों को। अभी फिलहाल हम अयोध्या से भाई जैसे मेन एंट्री से अंदर आए, यहाँ पे हमको मिला लता मंगेशकर चौक। भाई लता मंगेशकर जो सिंगर था, उनकी याद में देखो यहाँ पे बनाया गया चौक। भाई ये देखो उनका जो बजाने वाला ये था ना, ये देखो इस साइड में, और यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हुए, भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इस चौक का नाम है लता मंगेशकर चौक, ये देखो। और भाई ये जो है बीच चौराहे पे है, रोड में देखो बीच चौराहे पे है, यहाँ न्यूज वाला भी है बहुत सारा, और यहाँ पे लोग भाई सेल्फी लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सेल्फी लेने के सबसे बेस्ट पॉइंट है ये। जो भीड़ देखो, क्राउड देखो, अभी तो भाई आने वाले दिन में और ज़्यादा क्राउड होने वाला है यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पर। भाई ये देखो भाई, बंदर को देखो, ये फूल तोड़ तोड़ के खा रहा है। भाई देखो, खाना नहीं मिल रहा होगा इसलिए फूल ही खाना स्टार्ट कर दिया इसने तो आज। तो भाई अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जो राम मंदिर के साइड में, और देखो भाई कितना शानदार आज सजावट किया गया था। भाई ये देखो कितना शानदार सजावट किया गया था, पूरी रोड पे सजावट है। भाई सही दिन आए हम लोग, क्या शानदार सजावट किया गया था आज। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। भाई आज तो हमारा भी स्वागत हो गया अयोध्या में। तो भाई ये देखो, चलते हैं आगे आगे भाई, और आप लोगों को दिखाते हैं। तीन तीन देखो, ये गया है, देखो ये गया, और भाई ये देखो ये जा रहा है। तो भाई इधर से है राम मंदिर जाने का मेन एंट्रेंस, भाई इधर से ही होता है एंट्री। भाई कितना शानदार रास्ता बन रहा है, और तो चल लेंगे अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे। भाई ये देखो, ये है इधर से एंट्री राम मंदिर जाने का, अभी भी काम चल रहा है, चलते हैं अंदर। और इधर से है एंट्री। भाई कितना
मस्त कॉरिडोर बनाया जाने के लिए एकदम, और देखो कितना मस्त फील आता है। देखो भाई देखो जाने का रास्ता कितना शानदार बना रहा है, एंड तक बनाएगा ये। देख कितना जोरों शोरों से काम चल रहा है यार राम मंदिर। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं भाई लुक। तो भाई यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जो है राम मंदिर बन रहा है। तो आगे जो हम जा रहे थे भाई, लेकिन मोबाइल और कैमरा जो है लेके नहीं जा सकते हो, ऐसे पीछे बैग लगा के भी नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भाई मना कर दिया कि बैग कैमरा ये सब लेके नहीं जा सकते हो। अगर आप आ रहे हो लेके तो भाई सामने ही जमा करना पड़ता है। भाई हमें तो पता नहीं था, हम पहली बार आ रहे हैं, कहाँ जमा करना पड़ता है। तो अभी जाके आप लोगों को दिखाते हैं भाई कहाँ जमा करते हैं। भाई देखो यही वो जगह है, यहाँ पे देखो फ्री लॉकर सर्विस, भाई फ्री में आपको यहाँ लॉकर वगैरह भी मिल जाएगा, और इस साइड में आपको टॉयलेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। भाई देखो ये देखो यहाँ पर टॉयलेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जगह है, और अंदर जाके आपको फ्री में चाबी वगैरह मिल जाएगी। तो भाई अंदर जो है आप अपना कुछ भी नहीं ले जाते भाई, घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, बैग हो गया, पैसा को छोड़ के आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो भाई। दो दो बार चेकिंग होता है, हम गए अंदर से आए तो दो दो बार चेकिंग होता है। भाई हम है अयोध्या में, और अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं भाई अयोध्या में। कहाँ? हनुमानगढ़ी। भाई इधर देखो, यहाँ है हनुमानगढ़ी, ये मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर। और भाई यहाँ पे जो भीड़ है ना भाई साहब, देखो चकाचौंध सामने से, और भाई सारे जो बिल्डिंग का कलर आप देखोगे सिर्फ भगवा कलर दिखेगा, और मस्त कलर दिखता है यहाँ पे। भाई भीड़ है चकाचौंध, तो चलेंगे अंदर। भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो भाई देखो इधर से है एंट्री, तो भाई अभी हम पहुंच जाए आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। ये देखो ये है हनुमानगढ़ी। अंदर से तो दर्शन करके आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन भाई क्या भीड़ था यार, बाहर भी देखो भीड़, लेकिन क्या डिजाइन, क्या मस्त। भाई देखो दर्शन करके लिए कितना भीड़ है हनुमानगढ़ी में, और देखो भाई। भाई तो हम लोग गए थे अंदर, हम गए थे हनुमानगढ़ी देखने के लिए, तो भाई वहाँ गए, आप लोगों को भी दिखाए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जा रहे हैं हम घाट की तरफ, अभी हम फिलहाल देखने आए सरयू नदी। भाई सरयू नदी और उसके भाई पीछे भाई ऊपर ही हम चल रहे हैं, और देखो ये है सरयू नदी, पर आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखो भाई बहुत सारा टॉयलेट की फैसिलिटी लगा रखा है, ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोगों को अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो इधर है। और बाकी चलते हैं नीचे भाई। तो भाई अभी हम आ चुके हैं नदी के पास, देखो ये बगल में नदी, और यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है, उसके उस पार नहीं जा सकते लोग नहाने के लिए। भाई लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे भाई ठंडे पानी में, ठंडे ठंडे। तो ये है, और देखो यहाँ पे भाई बोटिंग वगैरह कर सकते हो, देखो बहुत सारा बोट है सरयू नदी घूमने के लिए। और यहाँ पे हम आए बोटिंग करने के लिए भाई, तो बैठ चुके हैं बोट पे, और हमारी बोट निकल चुके हैं भाई, और हमें ले जाएगा लक्ष्मण घाट तक। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की बोटिंग का मजे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा था भाई। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं भी रात में मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।